गूगल सर्च रिजल्ट की ये तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शिरडी साईं ट्रस्ट ने हज के लिए 35 करोड़ रुपए डोनेट किए। कई ट्विटर यूजर्स ने ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की। वहीं फेसबुक पर ये तस्वीर इसी दावे के साथ जमकर वायरल है। तो क्या वाकई में शिरडी साईं ट्रस्ट ने हज के लिए 35 करोड़ रुपए डोनेट किए? इस दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। गूगल पर इस बारे में रिपोर्ट्स की तलाश करने पर हमें इस दावे की पुष्टि करने वाली कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। आगे हमने शिरडी साईं ट्रस्ट की वेबसाइट भी खंगाली, लेकिन वहां पर हज के लिए दान देने की कोई खबर नहीं है। हमने शिरडी साईं ट्रस्ट के जनसंपर्क अधिकारी से कांटेक्ट किया। विभाग के एक अधिकारी ने हमें बताया कि शिरडी साईं ट्रस्ट द्वारा हज के लिए 35 करोड़ रुपए दान करने का दावा पूरी तरह से गलत है। ट्रस्ट ने इस तरीके का कोई डोनेशन नहीं दिया है। वहीं ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शिरडी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अधिकारी ने हमें FIR की कॉपी भी भेजी, जिसमें शिरडी साईं ट्रस्ट के PRO तुषार शेलके ने सोशल मीडिया पर ट्रस्ट को लेकर गलत दावा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अब गौर करिए कि वायरल तस्वीर में इस दावे का सोर्स ये ट्वीट है, जिसे ट्विटर हैंडल कविता तिवारी ने किया है। सर्च करने पर हमें मालूम हुआ कि ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने से पहले ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। वहीं इस कथित ट्वीट में डोनेशन का दावा बिना किसी ठोस सबूत के किया गया था। इस ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल चेक करने पर हमने पाया कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं। वहीं अक्सर ये यूजर सोशल मीडिया पर राइट विंग प्रोपेगेंडा चलाती है, यानी हज के लिए शिरडी साईं ट्रस्ट द्वारा 35 करोड़ रुपए डोनेट करने का दावा पूरी तरह से गलत है और बिना किसी ठोस सबूत के किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर सच मानकर शेयर किया गया।